आखिर सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजार पन्नों को डाली 120 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ और करीब करीब 50 अंक की गिरावट निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। सीएनबीसी आवाज ने कुछ देर पहले बिहार पर एक पोल कराया है। बाजार के जानकार क्या मान रहे हैं, किस तरह के नतीजे आएंगे, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा, कुछ ही देर में वो पोल आपके सामने हाजिर करेंगे और आपको बताएंगे आपको किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन नतीजों का सीजन है और बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नतीजे करीब 1 बजे के आसपास आए थे और इस नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी शेखर बजाज अब जुड़ चुके हैं। बजाज साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या हाइलाइट्स हैं दूसरी तिमाही की? नमस्कार। अगर देखा जाए तो तीन सेगमेंट में लाइटिंग सेगमेंट ने काफी अच्छा किया है और वहां पर मार्जिन सब्सटेंशियल इंप्रूव हो गए हैं। 2.8 से 6.1% मार्जिन्स हो गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 टाइम हो गया है। फ्रॉम 5 crores इज गॉन टू 45 crores, तो वो तो मेजर इंक्रीज हुआ ही है एज अ कंपनी। और अगर 6 महीने का भी देखते हैं तो 35 करोड़ से 100 करोड़ से ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। तो केवल कंज्यूमर ड्यूरेबल में प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट हुई है क्योंकि 3.9% डी ग्रोथ हुआ है टॉप लाइन में। गुड न्यूज ये है कि जो फर्स्ट लेवल मार्जिन, जो हमारा मार्जिन में डिक्रीज नहीं हुआ है, मार्जिन ठीक है, परंतु बिकॉज फिक्स कॉस्ट जो है वो लोअर वॉल्यूम में होता है तो उस हिसाब से फिक्स कॉस्ट परसेंटेज बढ़ने से उसका इम्पैक्ट 2.5 से 3% हुआ है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब पॉजिटिव ग्रोथ होगा और साल के एंड में जो लास्ट ईयर लेवल में जो अभी डी ग्रोथ चल रहा है वो डी ग्रोथ मेकअप होके एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव ग्रोथ आने की उम्मीद करते हैं फॉर द ईयर। तो और लाइटिंग और इंजीनियर प्रोजेक्ट्स में जो ग्रोथ है वो 12-13% आगे लाइटिंग में होते रहेगा ये उम्मीद करते हैं और प्रोजेक्ट बिजनेस में 25-30% ग्रोथ चलेगा और 5000 करोड़ तक पहुंचने का हम उम्मीद रखते हैं। मिताज साहब ये बताइए फुल ईयर के लिए आप कह रहे हैं क्योंकि सेकंड हाफ बेटर होने वाला है फर्स्ट हाफ से, क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए, कितना मुनाफा कंपनी कर लेगी और मार्जिन्स के लिए भी एक आउटलुक दीजिए। इस बार तो हमने देखा था मार्जिन्स करीब 4.1% के रहे थे, फुल ईयर के लिए क्या मार्जिन्स का आउटलुक है? देखिए हम प्रॉफिट्स और मार्जिन्स की नहीं बात करते हैं, परंतु ये क्या है कि क्योंकि हमारा ओवरहेड्स जो है, हमारा टर्नओवर सेकेंड हाफ में इज मच हायर देन द फर्स्ट हाफ। अगर हम अभी तक हमारा टोटल मिलके अगर 2100 करोड़ हुआ है और हम साल के एंड में 5000 करोड़ कर रहे हैं तो इसका मतलब करीब 2800 करोड़ हमको नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में करने पड़ेंगे। तो जो ओवरहेड है वो 2800 में जब डिवाइड होता है तो उस हिसाब से फिक्स कॉस्ट परसेंटेज कम होने से प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। ये ऑब्वियस है कि वो हो जाएगा, पर कितना इंप्रूव होगा वो समय बताएगा। तो हम प्रॉफिट का प्रोजेक्शन नहीं करते हैं, टॉप लाइन 5000 करोड़ तक पहुंचने की हम उम्मीद करते हैं, परंतु प्रॉफिटेबिलिटी पिछले साल से तो मच बेटर होगी उसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि इस साल अपने फर्स्ट 6 मंथ्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 करोड़ से ऊपर हो गया है और इस क्वार्टर में 45 करोड़ का हुआ है। पिछले साल केवल 35 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द 6 मंथ्स, अभी 100 करोड़ हो गया 2.8 टाइम्स और फॉर द क्वार्टर इट इज गॉन अप 8 टाइम्स, पर बेस बहुत वृद्धि था तो 5.7 का 45 करोड़ को 8 टाइम्स बोलते हैं, पर है 45 ही करोड़, तो उसी को ख्याल रखना चाहिए, 8 टाइम्स का कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज बेस बहुत वीक था लास्ट ईयर। चलिए बस शुक्रिया बजाज साहब समय निकालने के लिए और सीएनबीसी आवाज पर आकर कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, किसी भी वक्त